हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं। दिस इज अकाउंटिंग इक्वेशन, और यहां से आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल सेक्शन भी जो है वो चालू कर देंगे, और उसमें थ्योरी सेक्शन भी है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी सेक्शन जो है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें, देन फिर हम न्यूमेरिकल सेक्शन पर मूव होंगे। तो देखिए, टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन, और हम जानते हैं इक्वेशन किसको कहते हैं, जहां लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो किसके राइट हैंड साइड के, LHS इक्वल्स टू RHS। ये आप मैथ्स में शुरुआत से क्लास 6-7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो जैसे मैथ्स कुछ इक्वेशन पे बेस्ड होती है, वैसे अकाउंट्स भी कुछ इक्वेशन पे बेस्ड होती है। कुछ रूल्स होते हैं इनके भी। भैया मैथ्स में पढ़ते हैं पाई की वैल्यू है ना 22/7, तो वह रूल याद कर रखें, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रूल है, याद कर रखें। वैसे यहाँ भी कुछ रूल है, वो भी आपको याद करना है। ये भी तो एक मैथ्स है, पर ये इतनी टफ नहीं है, आसान है। तो अपन देखें, इसमें वर्ड यूज होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। हम देखते हैं मैथ्स में वर्ड यूज होते थे प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस यूज नहीं होते, यहाँ डेबिट क्रेडिट यूज होते हैं। प्लस माइनस भी होंगे वैसे तो, और यहाँ डेबिट क्रेडिट होते हैं। डेबिट को शॉर्ट में कहते हैं DR, और क्रेडिट को शॉर्ट में कहते हैं CR। अब आप कहोगे सर डेबिट में आर तो आता नहीं, ये DR कैसे बन गया? एक्चुअली ये DRCR इनसे बने ही नहीं है, ये तो एक्चुअली आज चल रहे हैं। ये DR जो है वो लैटिन अमेरिकन वर्ड था डेबरे, और इसका था क्रेडरे, सही है। ये डेबरे DR कहलाने लगा, ये क्रेडरे CR। बाद में डेबरे और क्रेडरे वर्ड ही कैंसिल हो गए, ये बन गए बाद में डेबिट और क्रेडिट। तो आज डेबिट एंड क्रेडिट ही चल रहे हैं, और DRCR वही पुराना वाला चल रहा है, सही है। तो इस तरीके से ये जो वर्ड है ये आपके बने थे। सर डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस या माइनस? नहीं, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। डेबिट से प्लस भी हो सकता है और डेबिट से माइनस भी हो सकता है, क्रेडिट से प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कौन सा रूल कहां लगेगा वही प्रैक्टिस की चीज है जिसे अपन सीखेंगे। तो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट जो है वो अलग से सीखेंगे आपकी, कब ये प्लस होता है कब ये माइनस होता है, वो सारे अकाउंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें रूल अलग अलग चलता है। फिर भी कुछ चीजें जो बेसिकली है वो आप टी शेप में सीखेंगे कि हाँ भाई जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, सही है, वो आपकी डेबिट से बढ़ती है क्रेडिट से कम होती है। ये आपका टी शेप अकाउंट आएगा इस तरीके का, ये साइड डेबिट साइड होगी और ये साइड क्रेडिट साइड होगी। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है ये डेबिट साइड होगी, ये राइट हैंड साइड है ये क्रेडिट साइड होगी। एसेट्स हमेशा डेबिट से बढ़ेगी क्रेडिट से कम होगी। ऐसे एक अकाउंट और आएगा एक्सपेंस अकाउंट, वो भी डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से कम होगा। ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट से बढ़ते हैं, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है। ऐसे ही फिर तीन अकाउंट आएंगे, लायबिलिटी, इनकम्स एंड कैपिटल, ये क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं। इनको कंबाइनली हम बोलते हैं LIC, लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल, सही है। तो ये दो अकाउंट एसेट्स और एक्सपेंस, ये डेबिट से बढ़ते हैं क्रेडिट से कम होते हैं। LIC यानी लायबिलिटी इनकम कैपिटल क्रेडिट से बढ़ती है डेबिट से कम होती है। ये बेसिक फंडामेंटल है, ये आपको इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये लर्न करनी पड़ेगी। जैसे आपने पाई की वैल्यू 22/7 याद कर रखी है ना, वैसे इनको भी याद करना पड़ेगा। इनके बगैर अकाउंट्स आगे नहीं चल सकती। तो बेसिक रूल है, आगे और भी डिस्कस होंगे ये रूल, तो इनको अपन को याद अभी से करना चालू कर देना चाहिए। धीरे धीरे याद होंगे, अचानक याद भी नहीं होंगे, सही है। तो ये बेसिकली है अमेरिकन अप्रोच, जो हमने डिस्कस की है। दो अप्रोचेज होती है एक्चुअली, नंबर 1 अमेरिकन अप्रोच, नंबर 2 इंग्लिश अप्रोच। अमेरिकन अप्रोच सिर्फ इसी चैप्टर में डिस्कस होगी, आगे अकाउंट में डिस्कस नहीं होगी, लेकिन इनडायरेक्टली मैं इसका यूज करके आपको जगह जगह पर दिखाऊंगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी अप्रोच है, इससे अकाउंट्स काफी इजी हो जाती है। लेकिन हमारे कोर्स में बेसिकली जो है ना वो है इंग्लिश अप्रोच, क्योंकि अपन ब्रिटेन से कनेक्टेड रहे हैं पूरे टाइम, तो अपन ने पूरी टाइम इंग्लिश अप्रोच जो है उसे ही जस्टिफाई किया है, ठीक है। और ये जो टी शेप अकाउंटिंग आप पढ़ रहे हैं, पास टाइप के ये जो अकाउंट्स हैं आपके, 1 एसेट्स, नंबर 2 एक्सपेंस, नंबर 3 लायबिलिटी, नंबर 4 इनकम, नंबर 5 कैपिटल, ये 5 अकाउंट की जो अप्रोच है ये अमेरिकन अप्रोच कहलाती है। थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अमेरिकन अप्रोच में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं और उनके रूल क्या है। ये दोनों डेबिट से बढ़ते हैं, ये तीनों क्रेडिट से बढ़ते हैं। ये दोनों क्रेडिट से कम होते हैं, ये तीनों डेबिट से कम होते हैं। तो डेबिट से बढ़ भी सकता है और डेबिट से कम भी हो सकता है, इसलिए मैं कहूँ वो असेट्स के रूल पे डिपेंड करता है। फिर आप इंग्लिश अप्रोच है, ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसके लिए एक नेक्स्ट चैप्टर ही आपका आएगा, उसमें डबल एंट्री सिस्टम के सारे रूल डिस्कस होंगे, सही है। तो ये सारे रूल जो है जो मैंने आपको बताए हैं वो सब इसी से रिलेटेड है। ये सब चीजें जो है वो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके साथ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो ये सब चीजें जो है अपन चैप्टर में डिस्कस करते हैं, इसके पूरे नोट्स बने हुए हैं, तो अपन नोट्स में चलते हैं।
हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक चालू कर रहे हैं, दिस इज चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग इक्वेशन। बेसिकली तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें थ्योरी है वो मैं आपको बता दूं। देखो, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। देखो, कोई भी अकाउंट जब बनेगा उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा डेबिट कहलाती है और जो राइट हैंड साइड है वो हमेशा क्रेडिट कहलाती है आपके फेस से। और डेबिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? DR। और क्रेडिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CR। एक्चुअली क्या है, ये दोनों वर्ड जो है वो लैटिन अमेरिकन वर्ड से बने हैं। एक्चुअली DR तो इसमें आता ही नहीं है, लेकिन डेबिट को DR बनाया गया है। एक्चुअली जो डेबिट की शुरुआत हुई थी ना, तो वो था डेब्रे। डेब्रे से क्या बन गया? DR। सही है, और शॉर्ट फॉर्म तो वही आ गई, लेकिन वो डेब्रे बाद में सुधर के क्या बन गया? डेबिट बन गया। तो अब डेबिट को DR कहने लग गए। ऐसे ये क्रेडिट नहीं था, लैटिन अमेरिका में ये जो था वो क्रेडरे था। क्रेडरे से क्या बन गया? CR। तो क्रेडरे बाद में क्रेडिट बन गया, अब क्रेडिट को CR बोल दिया जाता है। तो ये लैटिन अमेरिकन वर्ड से हैं, वो आए हैं। जैसे आपका चांदी को अर्जेंटम बोला जाता है, अर्जेंटम से AG हो गया। अब वो चांदी बाद में अर्जेंटम की जगह सिल्वर हो गई, लेकिन आज भी उसका जो मेजरमेंट है वो तो AG से लिया जाता है, इस तरीके से। सही है। अब रूल्स एंड डेबिट और क्रेडिट जो है वो आपका चलेगा इसके अंदर। और ये अकाउंट की जो शेप होती है वो आपकी टी शेप जैसी होती है, कैपिटल लेटर टी जैसी, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। और इसमें 5 अकाउंट बेसिकली होते हैं, और वो 5 अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो अपन अलग से डिस्कस करेंगे। सही है। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो देखो इसमें दो अप्रोच होती है, एक तो होती है अमेरिकन अप्रोच, तो ये जो इसे मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं, और ये जो टी शेप अकाउंट आपने देखा है ना, वो सारा का सारा अमेरिकन अप्रोच कहलाता है। और एक होती है इंग्लिश अप्रोच, जिसे हम ब्रिटेन की अप्रोच भी कहते हैं, और ये ट्रेडिशनल अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम कहलाती है। और जो इंग्लिश अप्रोच को ही डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है, और यही हम जो है नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अमेरिकन अप्रोच तो केवल यही डिस्कस होगी टी शेप की, और बाकी पूरी बुक में आपकी कभी भी डिस्कस नहीं होगी। बेसिकली हमारी पूरी अकाउंटिंग जो है वो इंग्लिश अप्रोच के ऊपर बेस है, वो चलेगी, है ना। मैंने आपको बताया कि अमेरिकन अप्रोच जो है उसके अंदर आपके बेसिकली 5 अकाउंट बनते हैं। 5 अकाउंट के नाम है एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू या इनकम और एक्सपेंसेस। ये 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, और इनके लिए रूल अपना यही है कि अभी एसेट जो है वो डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। सही है। और एक्सपेंस जो है वो भी डेबिट से बढ़ता है, क्रेडिट से कम होता है। यानी ये दो अकाउंट ऐसे हैं, पहला और पांचवा, जो डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से कम होते हैं। बाकी तीनों अकाउंट आपके लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, LIC, लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल, ये तीनों ही क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं। तो ये बेसिकली टी शेप अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन है, और बाकी इसमें सारी अकाउंटिंग इक्वेशंस वगैरह आएंगी, अकाउंटिंग क्वेश्चन कैसे बनती है, उनका क्या यूज होता है, वो सब चीजें जो है वो अपन अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे देखेंगे। ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज टी शेप अकाउंट्स, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का ही टॉपिक है, और इसके अंदर आपको कुछ फॉर्मेट जो हैं वो लर्न करने पड़ेंगे। ये अकाउंटिंग की प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एसेट्स अकाउंट। ये एसेट्स अकाउंट है, इनकी शेप टी जैसी होती है, इसीलिए इनको टी शेप अकाउंट बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से इनकी शेप होती है। ऐसे एक तो एसेट्स हो गया, ऐसे एक अकाउंट होता है आपका एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, ऐसे ही लायबिलिटी अकाउंट, ऐसे ही इनकम अकाउंट, और लास्ट है कैपिटल अकाउंट। कुल मिला के 5 अकाउंट होते हैं ये आपके। बहुत ही काम की चीज है, प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी पड़ेगी यदि आपको अकाउंट्स ऑफ परफेक्शन चाहिए। ये कुल मिलाकर 5 अकाउंट हैं। इनके रूल हम देखेंगे कि इनके रूल क्या हैं, कैसे बने। कुल मिला के ये अकाउंट है 5। नंबर 1 एसेट्स अकाउंट, नंबर 2 एक्सपेंस अकाउंट, नंबर 3 लायबिलिटी अकाउंट, नंबर 4 इनकम अकाउंट, नंबर 5 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रूल क्या है? देखिए, इसमें दो साइड्स होती है, ये कहलाती है डेबिट साइड, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं DR, और ये होती है क्रेडिट साइड, इसको शॉर्ट में लिखते हैं CR। हमेशा ये DR साइड है, ये CR, डेबिट एंड क्रेडिट बोलते हैं। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, फिक्स साइड है, इसमें कुछ नहीं है। नाउ एसेट्स
और एक्सपेंस दो ऐसे अकाउंट हैं जिनकी डेबिट साइड इंक्रीजिंग साइड होती है, यानी डेबिट साइड में लिखने से बढ़ेंगे और क्रेडिट करने से ये कम हो जाएंगे। ठीक है, ये दो अकाउंट ऐसे हैं जो डेबिट करने से बढ़ते हैं और क्रेडिट करने से कम होते हैं। कौन कौन से? एसेट्स एंड एक्सपेंस। अब आते हैं लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनका शॉर्ट नेम आपको बता दूं, LIC, लायबिलिटी, L फॉर लायबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल। इन तीनों अकाउंट के लिए रूल अलग से हैं। क्या ये तीनों ही अकाउंट क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं? सही है, क्रेडिट लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं, जबकि एसेट्स और एक्सपेंस ऐसे दो अकाउंट हैं जो डेबिट से बढ़ते हैं और क्रेडिट से कम होते हैं। यानी ये डेबिट से बढ़ते हैं दोनों और ये तीनों क्रेडिट से बढ़ते हैं। ये दोनों क्रेडिट से कम होते हैं जबकि ये तीनों डेबिट से कम होते हैं। तो इनको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, ये रूल है, ये इसी तरीके से याद किए जाते हैं। तो एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट से बढ़ते हैं, क्रेडिट से कम होते हैं, जबकि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल LIC क्रेडिट से बढ़ते हैं और डेबिट से कम होते हैं। ये रूल एज इट इज आपको याद करना है। अब इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, विच साइड विल इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड, ऑल्सो मेंशन द नेचर अकाउंट। बताओ कि कौन सा बढ़ाने वाली साइड है और क्यों। ये फर्नीचर है, पहला फर्नीचर हमारी क्या है, फर्नीचर हमारी एसेट है और एसेट किस साइड से बढ़ती है, डेबिट से। नेक्स्ट है वेजेस पेड, वेजेस पेड करना आपका एक्सपेंस है और एक्सपेंस किस साइड से बढ़ता है, डेबिट साइड से। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड, अब क्या आपको रेंट रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव्ड होना आपके लिए इनकम है, इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड से बढ़ती है। आगे है कैश, कैश आपकी एसेट है, एसेट डेबिट करने से बढ़ती है। आगे प्रोपराइटर अकाउंट, प्रोपराइटर अकाउंट कैपिटल अकाउंट को कहते हैं, ध्यान देना, कैपिटल अकाउंट और प्रोपराइटर अकाउंट एक ही बात है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने से बढ़ता है। आगे है डेटर, डेटर आपकी क्या है, डेटर आपकी एसेट्स है और एसेट्स डेबिट करने से बढ़ती है। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी आपकी एसेट है, ये भी डेबिट करने से बढ़ती है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट करने से बढ़ती है। तो इस तरीके से हर चीज के रूल है, आपसे पूछेगा कौन सी साइड बढ़ने वाली साइड है, कौन सी साइड कम होने वाली साइड है, इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका चलेगा। इसमें हो सकता है आपसे अकाउंट भी बना ले, कैसे बनेगा देखते हैं। तो इसके लिए अपन क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जिसमें फर्नीचर अकाउंट बनाना है। फर्नीचर हमारी क्या है, एसेट, एसेट ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, एसेट डेबिट साइड से बढ़ती है और क्रेडिट साइड से कम होती है, ये हमें पता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर मशीनरी, मशीनरी अकाउंट के लिए कह रहे हैं, तो अपन मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, मशीनरी हमारी एसेट है, डेबिट से बढ़ेगा क्रेडिट से कम होगा। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। कहता है मशीनरी परचेज फॉर 5 लाख, मशीनरी आपने परचेज की है 5 लाख में, तो इससे मशीनरी बढ़ेगी या कम होगी, परचेज करेंगे तो मशीनरी बढ़ेगी, तो 5 लाख इंक्रीज वाली साइड में लिख देंगे, ट्रांजेक्शन नंबर 1 यहां आ गया। नंबर 2 लिखा है मशीनरी सोल्ड 120, बेच दी तो मशीनरी कम हो गई, बिकने से आपकी मशीनरी कम हो जाएगी, तो पॉइंट नंबर 2 यहां आ गया माइनस साइड में। मशीनरी डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का मतलब होता है आउट ऑफ यूज करना, तो पॉइंट नंबर 3 से भी मशीन कम हो जाएगी, आपने मशीनरी को डिस्कार्ड कर दिया, बेकार हो गई। पॉइंट नंबर 4 में लिखता है न्यू मशीनरी परचेज 2 लाख, 2 लाख की न्यू मशीनरी परचेज की, इससे आपकी मशीनरी बढ़ गई। पॉइंट नंबर 5 में लिखा है मशीनरी डिस्ट्रॉयड, कोई आग वगैरह लग गई होगी, तो पॉइंट नंबर 5 मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गई, मशीनरी कम हो गई, कितने रुपए से, 40,000 से। इस तरीके से मशीनरी बढ़ी कितने से, 7 लाख से, और कम कितने से, 120 एंड 50 170 एंड 40 210। अब देखो मशीनरी बढ़ी तो 7 लाख से है और कम हुई 210 से, तो दोनों साइडों का टोटल जो है ना बराबर बैठाना पड़ता है। बड़ी साइड कौन सी होता है, टोटल आपको बराबर बैठाना पड़ेगा, या 210 है या 7 है, तो अपन को दोनों साइड कितना बैठाना है, 7 लाख, यहां भी 7 लाख और यहां भी 7 लाख। ठीक है, पर यहां तो 210 ही आ रहा है,
तो डिफरेंस कितना है, 7 लाख माइनस 210 दैट इज 4,90,000, ठीक है। और इसको क्या लिखा जाता है, बैलेंस, कितना बैलेंस है हमारे पास, यानी 7 लाख की मशीनरी बढ़ी, 210 की कम हो गई, तो अब बैलेंस कितना बचा, 4,90,000। वापिस बोल रहा हूं, 7 लाख की मशीनरी बढ़ी, 210 की कम हो गई, तो बची कितनी बैलेंस, 4,90,000। इस तरीके से टीसीएफ अकाउंट जो है वो आपका बनता है, क्लियर है। एक और देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17 का ए देखते हैं, इसमें क्रेडिटर अकाउंट बनाया है, देखें। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आप रघुवीर का अकाउंट बनाओ, रघुवीर कौन है, रघुवीर आपका क्रेडिटर है और उसका अकाउंट क्वेश्चन नंबर 17 के ए में बनाने को कहा है। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है, देखो क्रेडिटर है पहली बात तो, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम हो जाती है, ठीक है। लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से बढ़ती है और डेबिट साइड से कम हो जाती है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है। पहला ट्रांजेक्शन आपको कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 50,000, हमने रघुवीर से गुड्स खरीदी, उधार में खरीदी 50,000, तो रघुवीर हमारा क्रेडिटर बढ़ गया इससे 50,000 का, ट्रांजेक्शन नंबर 1। ट्रांजेक्शन नंबर 2, रिटर्न गुड्स टू रघुवीर, रघुवीर को माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न कर दिया तो हमारा क्रेडिटर कम हो गया, कितने रुपए, 5,000, ट्रांजेक्शन नंबर 2, कम हो गए क्रेडिटर्स। पॉइंट नंबर 3, पे टू रघुवीर 30,000, रघुवीर जो हमारा क्रेडिटर था उसको पेड किया, पेड किया तो हमारा लायबिलिटी कम हो गया, हमने हमारी लायबिलिटी को पेमेंट कर दिया तो चुका दिया, तो इससे हमारी लायबिलिटी 30,000 से कम हो गई, ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजेक्शन नंबर 4, परचेज गुड्स फ्रॉम रघुवीर ऑन क्रेडिट 416,000, और गुड्स खरीदी 16,000 से रघुवीर हमारा क्रेडिटर और बन गया, क्रेडिटर बढ़ गया। पे टू रघुवीर 20,000, हमने उसको कुछ पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई, 20,000 पेमेंट कर दिया, ट्रांजेक्शन नंबर 5। और कोई ट्रांजेक्शन दिया नहीं है तो अब इनका टोटल करते हैं पता लगे। क्रेडिट का टोटल है 50 and 16, दैट इज 66, और डेबिट का टोटल है 30 and 20, 50 and 5, 55, ठीक है। दोनों में से बड़ी साइड कौन सी है, 66, तो दोनों साइड का टोटल कितना बैठना चाहिए, 66 बैठना चाहिए, यहां का भी 66 और यहां का भी 66। आप देख रहे हैं टोटल हमेशा आमने सामने किए जाते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने टोटल आमने सामने किए थे, और टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन आती है, देखो डबल लाइन खींची थी, यहां भी मैंने डबल लाइन खींची है। खैर यहां का टोटल है 66 पर यहां का तो 55 ही है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि क्रेडिटर 66 बढ़े फिर 55 कम हो गए तो बचे कितने, 11,000, ये 11,000 आपका क्या बच गया, बैलेंस बच गया, इसे क्या कहेंगे, बैलेंस। कितने क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे बैलेंस में अभी बाकी है, मतलब 66 के क्रेडिटर बढ़े जिनमें से 55 के क्रेडिटर कम हो गए, तो आज की डेट में बैलेंस कितना है, इट इज 11,000, क्लियर है।